नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित का स्वागत करता हूँ श्रीलर्निंग के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर RRB 2018 ग्रुप डी। तो दोस्तों इससे पहले जैसा कि मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर के सारे जितने क्वेश्चन पेपर कराए हैं, आई थिंक आपने सारे क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे इसके, तो पढ़ लिए तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो आप मेरी प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में वीडियो में नीचे लिंक दिया हुआ है, उसके अंदर पूरी प्ले लिस्ट है और प्ले लिस्ट के अंदर सारी जितनी भी मैंने अब तक की वीडियो डाली है प्रीवियस ईयर की RRB की, वो सारी आपको मिल जाएंगी। आप उनको पढ़ लीजिए, उनमें से जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको रिपीट हो सकते हैं या फिर सिमिलर क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप उनको पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद मैंने सीरीज स्टार्ट की है। सीरीज में क्या होगा, हमारे टॉप 25 क्वेश्चन कराएंगे हम, इसमें ये वाला पहला पार्ट है, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट ले आऊँगा, इसके बाद तीसरा लाऊंगा, इसके साथ काफ़ी सारे पार्ट आएंगे, जितना हो सकेगा मैं उतने पार्ट बना दूंगा इसके। तो इसमें काफ़ी सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे हमारे, इसमें से जो हमारे क्वेश्चन होंगे उसमें से हमारे मतलब मोस्टली क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे इसमें से, और जो जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उसमें अक्सर कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें से कोई क्वेश्चन होते हैं ऐसे जो सिमिलर आते हैं, कोई रिपीट होते रहते हैं अक्सर, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, इनमें से क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई जरूर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला पार्ट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, गीत गोविंद बुक रिटन बाय, जो गीत गोविंद बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, वो लिखी गई है जयदेव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्लेनेट कॉल्ड अर्थ ट्विंस, कौन सा प्लेनेट है जो अर्थ ट्विंस कहलाता है, वो कौन सा है, वेनस, कौन सा प्लेनेट है, वेनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंदा देवी नेशनल पार्क लोकेटेड एट, जो नंदा देवी नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है, वो किस जगह स्थित है, वो है उत्तराखंड में, कहाँ पर है दोस्तों, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड ट्रक रोड बिल्ड बाय, जो ग्रैंड ट्रक रोड है वो किसके द्वारा बिल्ड की गई है, वो किसके द्वारा बिल्ड की गई है, शेर शाह सूरी के द्वारा, तो शेर शाह सूरी ने उसका निर्माण करवाया है, किसका, ग्रैंड ट्रक रोड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इंडिया, जो सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया के अंदर वो कौन सी है, वो है नंदा देवी माउंटेन, कौन सी है, नंदा देवी माउंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नाइजीरिया करेंसी, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये नाइजीरिया करेंसी जो कि आसपास की कंट्री की करेंसी है, आसपास की क्या बल्कि आप जितनी भी हो सकता है आपसे उतनी कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल याद कर लीजिए। तो व्हाट इज़ द नाइजीरिया करेंसी, नाइजीरिया करेंसी कौन सी होती है, नायरा, कौन सी करेंसी होती है, नायरा। व्हाट इज़ द युगांडा कैपिटल, युगांडा एक देश है, उसका कैपिटल क्या है, ये पूछा गया है, तो कैपिटल क्या है युगांडा का, कैपिटल है कंपाला। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया है, पोस्टमैन का एग्जाम होता है उसमें पूछा गया है, और SSC के MTS के एग्जाम होते हैं उसमें पूछा गया कई बार, ये दोस्तों कॉमन क्वेश्चन कई बार आता है, तो अब इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो नेशनल साइंस डे हमारा वो कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, कब मनाया था 28 फरवरी को, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है, जितने भी डे से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से कोई ना कोई एक नया क्वेश्चन जरूर फंसता है, जैसे कि आप इसमें क्या होता है एक्चुअल में, जैसे आपका एग्जाम होगा अगस्त में, तो अगस्त के आसपास जैसे कि अगस्त में कौन सा डे आता है अगस्त के आसपास, या फिर जुलाई में कौन सा आता है, या फिर अगस्त के बाद का पूछ लेगा सितंबर में कौन सा आता है, तो आसपास के इतने वो तो आप पक्का पढ़ ही लीजिए सारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फुल फॉर्म ऑफ AICTE है, उसके फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम, जो हमारा सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है, वो कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह मरकरी, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, मरकरी, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो वो है जुपिटर, जैसे कि रेलवे में पूछा गया कई बार वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, जो कीट की स्टडी होती है उसे क्या कहते हैं हम, स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाती है, इटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियल करेंसी ऑफ विस कंट्री, जो रियल करेंसी है वो किस कंट्री की है, वो ब्राज़ील की है, किसकी है, ब्राज़ील की, तो रियल करेंसी किसकी है, ब्राज़ील। दोस्तों मैं आपको दो तीन बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से फिट हो जाए और आप कभी ना भूलें इसको, आप सोचते हो गए बार बार रिपीट करता है तो बोलता रहता है, मैं सिर्फ इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए और कभी निकले ना, क्योंकि पढ़ने से ज़्यादा बोलने से या सुनने से जल्दी याद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर जेट, तो वो कौन थी, वो थी अवानी चतुर्वेदी, जिन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर जेट उड़ाया था पहली बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का नियुक्ति कौन करता है, क्या करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लार्जेस्ट शुगर कैन प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, जैसे कि दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, लार्जेस्ट शुगर कैन का प्रोड्यूस कौन करता है इंडिया में, मतलब कौन सा स्टेट करता है, तो ये स्टेट कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जो कि शुगर कैन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है,
शुगर का भी और शुगर कैन का दोनों का यही है। अगर शुगर का पूछा जाए तो तब भी उत्तर प्रदेश है, और शुगर कैन का पूछा जाए तो भी उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेलवे जोन इन इंडिया आर। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो आप अच्छे से एकदम पढ़ लीजिए, क्योंकि रेलवे के क्वेश्चन, रेलवे के अंदर रेलवे के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और इसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो ये जैसे पूछा गया है कि रेलवे, रेलवे की जोन कितनी होती है टोटल, तो रेलवे की जोन टोटल कितनी होती है, 17 है। पहले कितनी थी, 16 थी, अब 17 हो गई है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर। तो जो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा ग्रुप है, वो होता है ओ पॉजिटिव। और रिसीवर पूछा जाए तो, अगर रिसीवर पूछा जाए या तो रिसीवर पूछा जाता है या फिर डोनर पूछा जाता है। अगर डोनर पूछा जाए तो ओ पॉजिटिव, और रिसीवर पूछा जाए तो ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जुलाई सेलिब्रेटेड एज, जो 1 जुलाई है हमारा वो किस दिन के रूप में, मतलब किस चीज़ के रूप में मनाते हैं 1 जुलाई को, वो मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। क्या, किस मनाते हैं, नेशनल डॉक्टर डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट IPS वूमेन ऑफिसर वाज, जो फर्स्ट IPS वूमेन ऑफिसर थी वो कौन थी, वो थी किरण बेदी। कौन थी, किरण बेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कलर ऑफ ऑक्टोपस ब्लड। ये दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार आया है, सब में पूछा जाता है अक्सर, जो ऑक्टोपस के ब्लड का कलर है वो क्या होता है, वो होता है ब्लू। क्या होता है, वो ब्लू। मेल इज़ द कैपिटल ऑफ, जो मेल है वो किसकी कैपिटल है, ये द कैपिटल और करेंसी, और ये तो काफ़ी पूछी जाती है यहाँ तक, तो इसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ले लिए हैं इसमें, जो कि अक्सर आपसे पूछेंगे। मेल इज़ द कैपिटल ऑफ, ये अक्सर पूछे भी गए हैं, जो मैंने लिए, मेल इज़ द कैपिटल ऑफ, जो मेल है वो किसकी कैपिटल है, वो है मालदीव की। किसकी, मालदीव की। मालदीव की कैपिटल क्या है, मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। क्या है, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन। ये दोस्तों ये क्वेश्चन क्या है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो सन के नियरेस्ट में, बिल्कुल उसके नियर है। नियर में कौन सा है, मरकरी है। और मरकरी के बाद कौन सा आता है, मरकरी के बाद आता है वेनस। और वेनस के बाद कौन सा आता है, वेनस के बाद पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद मार्स आता है, उसके बाद बाकी सब आते रहते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन सा आता है, मरकरी। और अगर सबसे छोटा पूछा जाए तो वो भी मरकरी, और सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ विकिलेक्स, सॉरी विकिलीक्स, फाउंडर ऑफ विकिलीक्स, विकिलीक्स के फाउंडर कौन है, वो है जूलियन असेंज। कौन है, जूलियन असेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट एशिया 11 गेम्स वर हेल्ड इन 1951। तो 1951 में फर्स्ट, सॉरी ये फर्स्ट एशियन गेम थे, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें कुछ, फर्स्ट एशिया, ये 11 गलती से आ गया है। फर्स्ट एशिया गेम वर हेल्ड इन 1951, तो ये कब, कहाँ पर हुए थे, ये होते हमारे न्यू दिल्ली में। किस जगह होते, न्यू दिल्ली इंडिया में। तो दोस्तों हमारे 25 क्वेश्चन यही थे हमारे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हमारे सिमिलर आ सकते हैं, या फिर इसमें से भी कोई सेम क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे जो हमारे रिपीट भी हुए हैं पिछली बार, जो पिछले उसमें RRB के एग्जाम उसमें भी आ चुके हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कॉमन है जो कि अक्सर आते ही रहते हैं। तो आप इनको अच्छे से पढ़िए, इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। दोस्तों आप लाइक करना ना भूलें, लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी जरूर करें अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं। लाइक से क्या होता है, हम अप्रिसिएशन बढ़ता है, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए, सीखिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट डालो, और अगर आप नए हो चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप उसके बराबर में बेल का बटन होता है उसको जरूर प्रेस करें। उसको प्रेस करने से क्या होगा, हमारी जो आने वाली वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। दोस्तों देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।